दोस्तों आजकल इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी चल रही है, इतने बिजी लोग चल रहे हैं कि काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है। काम करते करते थक जाते हैं, बाहर से जॉब करके आएँ तब भी थके रहें, लेकिन फिर भी घर पर खाना वगैरह सारी चीज़ें करनी ही होती है, साफ़ सफाई भी करनी होती है, लेकिन फिर भी हम इतना थक जाते हैं। और कभी कभी सोचते हैं कि काश हमें भी कोई ऐसी ट्रिक पता होती जिससे हम फटाफट से काम कर लेते। तो आज हम कुछ बहुत ही यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें एक से बढ़ के एक हैक्स आपको दिखाए जाएंगे। बहुत ही काम के हैक्स होंगे, बहुत ही आपका काम आसान करने वाले होंगे। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला टिप्स है, हमें लेना है किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी और उसके बाद इसमें हमें डालना है एक पाउच के करीब शैम्पू। तो हमें कोई भी शैम्पू ले लेना है, चाहे जो शैम्पू आपके पास हो, आप जो यूज करते हैं वो शैम्पू आपको ले लेना है और पानी में इसे डाल देना है। डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, चाहे हम हाथों से मिक्स करें या चम्मच से या किसी भी चीज़ से, इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यूज कहाँ पर किया जाएगा। इसका यूज हम आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे, आप लोग बस देखते रहिए और देखते ही देखते आपका काम बहुत ही आसान होगा। आप यह टिप्स ज़रूर फॉलो करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा कोई एक रुमाल ले लीजिए या सूती कपड़ा, एकदम मुलायम कपड़ा ले लीजिए और इस पानी में भिगा दीजिए। ये शैम्पू जो होता है ये क्लीनिंग के मायने में बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों इसे भिगाने के बाद आपको इसे निकाल लेना है और फिर हम चलते हैं इसका यूज करने। इसका यूज हम करेंगे हेलमेट पर। हेलमेट डेली यूज़ करने पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है और हेलमेट की साइन जो होती है वो चली जाती है। आप सभी लोग देख सकते हैं इसका जो साइन है, ओरिजिनल साइन चला गया है। तो इसके साइन को वापस लाने के लिए हमें ये रुमाल लेना है और इस तरीके से अच्छे से पोंछ देना है। पोंछने के बाद किसी भी सूती कपड़े से आपको इसे भी रगड़ करके पोंछ देना है और आप देखेंगे कि आपका हेलमेट एकदम नए जैसा चमचमाने लगेगा। आप सोचेंगे कि ये हम अभी अभी नया नया ख़रीद कर ले आए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, यह हेलमेट पहले काफ़ी गंदा था लेकिन अभी ये काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुका है। और इसे हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो हमें रुमाल को अच्छे से निचोड़ देना है और उसके बाद हम इसे यूज करेंगे फ्रिज पर। फ्रिज पर जो दरवाज़ा होता है फ्रिज का, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। बार बार खोलने से और बंद करने से हाथों की गंदगी की वजह से यहाँ पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो आपको इस तरीके से इसे रगड़ देना है। थोड़ा सा हल्का सा रगड़ेंगे ना तो आपका फ्रिज एकदम चमचमाने लगेगा। फिर से आपको किसी सूती कपड़े से इसे अच्छी तरीके से पोंछ देना होगा। ये आप देख सकते हैं जो भी दाग धब्बे थे वो सारे बहुत ही आसानी से क्लीन हो गए। आप इस टिप्स को एक बार ज़रूर फॉलो करें। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगला टिप्स भी हमारा हेलमेट को लेकर के है। दोस्तों गर्मी के सीज़न में या फिर बारिश के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। जब भी हम हेलमेट पहनते हैं, पहनते पहनते सिर में पसीना हो जाता है और पसीने की वजह से हेलमेट से काफ़ी बदबू आने लगती है। इसे तो हम धुल सकते नहीं हैं क्योंकि ये धुलने पर ख़राब हो जाएगा। तो इसे हम कैसे इसका पसीने वाली बदबू को ख़त्म कर सकते हैं? आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। आप इस टिप्स द्वारा अपने हेलमेट के बदबू को ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा ये टेलकम पाउडर। आपके पास कोई भी टेलकम पाउडर हो आप ले लीजिए। आपको इसे इसमें छिड़क देना है थोड़ा सा और उसके बाद आपको इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा इस तरीके से उसमें मिला देना है। और जो इसकी खुशबू होगी टेलकम पाउडर की, आपके पास अगर स्पायर भी है तो वो भी ले सकते हैं क्योंकि स्पायर पाउडर की भी खुशबू नहीं जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से टेलकम पाउडर डाल करके अच्छी तरीके से हाथों की मदद से ऐसे रफ़ कर देंगे
तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा और इसकी जो भीनी भीनी खुशबू होगी वो आती रहेगी, आपको इसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी, आपको हेलमेट लगाना बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा, टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए चलते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के कुकर के रबड़ को लेकर के। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी रबड़ ढीली हो जाती है और जब ढीली जो हो जाती है तो कुकर से सारा जो सामान होता है वो बहने लगता है और जब बह जाता है तो बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है और उसके अलावा कुकर में सीटी यानी कि प्रेशर भी नहीं बनता है। तो इसके लिए आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, ढक्कन से रबड़ को अलग कर लेना है और रबड़ को हल्का सा भिगा लेना है, पानी इसमें थोड़ा सा लगा लेना है और उसके बाद आपको किसी प्लेट में लेना होगा इस तरीके से सूखा आटा। आटा जो होता है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद आपको कुकर के रबड़ को इस तरीके से आटे में डुबा देना है। आप देखेंगे कि कुकर के रबड़ पर आटे का एक परत जम जाएगा और उसके बाद आपको इसे निकाल करके सेट कर लेना है। ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, आपका काम बेहद ही आसान हो जाएगा। जो कुकर में कोई भी चीज़ बहता था यानी बाहर निकल करके गिरता था वो अब नहीं गिरेगा और आपकी जो ढीली रबड़ थी वो एकदम टाइट हो जाएगी। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा, टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। टिप्स हमारा है इस तरीके के सेफ्टी पिन को लेकर के। दोस्तों सेफ्टी पिन से क्या कभी आपने बर्तन धोए हैं, नए धोए हैं, तो आज हम आपको बताते हैं कि सेफ्टी पिन की मदद से आप कैसे बर्तन धो सकते हैं। एक सेफ्टी पिन की मदद से आप धुले ढेरों सारे बर्तन केवल मिनटों में। तो दोस्तों चलिए घंटों का काम हम आसान कर लेते हैं, मिनटों में करेंगे तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों जब भी हम कुकर को साफ़ करते हैं, कुकर को हम धुलते हैं कुकर के ढक्कन को, लेकिन होता यह है कि कभी कभी कुकर के ढक्कन में यहाँ वहाँ चावल जो होता है वो फंस जाता है। इसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करना होता है, अगर हम नहीं क्लीन करेंगे तो ये कुकर दग भी सकता है। तो इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से अंदर डाल करके अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, जिससे इसमें जो भी इसमें कूड़े फंसे हों यानी कि चावल वगैरह जूठ मीठ फंसा हो वो सारा निकल जाए। और उसके बाद आपको इधर से भी इस तरीके से सेफ्टी पिन डाल करके अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही खतरे वाला काम है। अगर हम इसे अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो ये खाना जल्दी बनाने की जगह बहुत ही चीज़ बर्बाद कर देगा, यानी कि इसमें जान भी जा सकती है। तो इसलिए आप कुकर के ढक्कन को अच्छे से क्लीन ज़रूर कर लीजिए। बर्तन धोते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, कुकर के ढक्कन को बहुत ही अच्छे से इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से इसे आपको क्लीन कर लेना है। तो आई होप कि आपको यह टिप्स भी पसंद आया होगा, टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।